हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज है प्रीलिम्स के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन है वो मंगलमय हो। अब हम चलते हैं आगे हमारी डिस्कशन की तरफ। आज सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो आया है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट को लेकर। देखो कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि अभी कंपनीज जो अकाउंट रूल 2014 है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट है वो किए गए हैं। अमेंडमेंट इसलिए किए गए हैं क्योंकि कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे आप उसको पब्लिक सेक्टर की हो, या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, इनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, कहीं भी हो, अगर वुमेन के साथ किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके लिए अपडेट किया गया, ताकि उसके लिए कोई भी कंप्लेन वगैरह है या प्रॉपर एक प्रोसीजर हो, उसके द्वारा प्रॉपर डिसीजन वगैरह लिए जा सकें और जो भी आरोपी है, जिसने भी क्राइम किया है, उसके अगेंस्ट सजा है वगैरह वो उसको प्रोवाइड करवाई जा सके। इसके लिए बेसिकली कंपनी अकाउंट रूल 2014 को भी यहाँ पे अमेंड है वो किया गया है। तो उसी को लेकर कुछ पॉइंट्स आए हैं। बेसिकली इसका हम यूज है वो मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज है वो कर सकते हैं। देखो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो हम न्यूज डिस्कस करते हैं वो केवल हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी काफी सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जो कि हम मेंस के एग्जाम में यूज है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ जो द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन आती है उसके भी काफी सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हम प्रीलिम्स में यूज है वो कर सकते हैं। वहां से भी कुछ क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, क्योंकि ये बार जब हम डिस्कशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास सडनली कोई टॉपिक ऐसा जाता है तो जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स से रिलेटेड करता है या तो कहीं ना कहीं मेंस से। तो इसीलिए हमें दोनों चीजों में से किसी को भी छोड़ के नहीं चलना है, दोनों चीजों को हमें साथ साथ टाइम टू टाइम कम्प्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। देखो बात ऐसी है, अभी ये प्रावधान किया गया मैंडेटरी तौर पर कंपनीज एक्ट के तहत कि भाई जो भी कंपनी है उसको हर साल एनुअल रिपोर्ट के तौर पे सेक्सुअल हरासमेंट के जो भी केसेस वगैरह है ना उनको डिस्क्लोज करना होगा। मतलब अब ये कंपनी की एक जिम्मेदारी बन गई है, मैंडेटरी काम हो गया उसके लिए कि अगर उसकी कंपनी में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट संबंधित केस वगैरह हो रहा है तो उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी होगी, ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट है वो वुमेन को प्रोवाइड है वो करवाया जा सके। हमारे देश में देखो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है सर्विस सेक्टर की बात करो से और प्राइवेट सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा इंक्रीज है वो किया जाए। इकोनॉमी बढ़ानी है तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन हमें आगे लेके आना होगा, और इसीलिए गवर्नमेंट को सबसे पहले अहम काम ये करना पड़ता है कि भाई वुमेन की सेफ्टी है उसको सिक्योर किया जा सके। जब तक वुमेन की सेफ्टी को देखो सिक्योर नहीं किया जाएगा ना, तब तक हम आगे काम वो नहीं कर सकते। तो वुमेन की सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए आप बोल सकते हो कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए बेसिकली उनको सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, चाहे बात हो प्राइवेट सेक्टर की हो या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो चाहे इनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, कहीं भी हो, मतलब वुमेन की सेफ्टी काफी अहम है वो हो जाती है। और ये जो काम की जिम्मेदारी होगी वो होगी डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की। मतलब डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि जो भी केस वगैरह होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कंपनी में उनको वो डिस्क्लोज करें, ये उनके लिए बेसिकली एक उनकी जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें काम है वो करना पड़ेगा। अब इसमें आपके दिमाग में होगा कि कौन कौन से सेक्टर वगैरह को इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं कि केवल कंपनीज एक्ट को यहाँ पे फोकस हो किया गया है, कोई भी क्लाइंट हो किसी कंपनी का उसकी बात कर लो चाहे, या फिर कंपनी के कस्टमर हो उनकी बात कर सकते हो, या फिर आप स्कूल ले लो, हॉस्पिटल ले लो, मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे एक्चुअली वुमेन को हरासमेंट किया जा रहा है उन सारे एरिया को बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया है। इसी के साथ ही इसमें और कुछ संशोधन भी किए गए हैं, जैसे कि लोकल लेवल पे कमेटी है, कंप्लेन कमेटी है वो बनाई जाएगी। ये जो लोकल लेवल पे जो कंप्लेन कमेटी होगी इसका काम बेसिकली होगा कि 90 दिन के अंदर ये रिपोर्ट है वो तैयार करेगी और इसी के साथ 7 दिन के अंदर अंदर इसको एक्शन है वो लेनी होगी। मतलब विद इन 60 डेज इनको एक्शन लेके जो भी आरोपी है उसको सजा वगैरह वो प्रोवाइड करनी होगी। और ये जो कमेटी बनाई जाएगी इसके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर वगैरह होंगी, ताकि जो भी आरोपी है जिसने भी क्राइम किया उसके अगेंस्ट उचित एक्शन है वो ली जा सके। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में यूज है वो कर सकते हैं। तो इन पॉइंट को आपका नोट डाउन है वो कर सकते हो, क्योंकि जब बात वुमेन एम्पावरमेंट की आती है तो वहां भी हम इन पॉइंट्स का यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स को लेके। देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसके द्वारा इज ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो पब्लिश किया गया है। अभी लिविंग इंडेक्स का सीधा मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि हमारे सिटी वो रहने लायक है या नहीं है, उनके आधार पे इंडेक्स वो तैयार किया गया है कि सबसे अच्छी सिटी रहने लायक कौन सी है और सबसे घटिया कौन कौन सी है, वो पैरामीटर को यहाँ पे यूज है वो किया गया है। तो टोटल 111 सिटी को यहाँ पे यूज किया गया है इस इंडिकेटर में। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सारी सिटीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया इंडिया की, जो जो मेन मेन मेजर सिटी होते हैं जैसे कि एक तो जो स्मार्ट सिटी है उनको इंक्लूड किया गया है, इसके साथ दो स्टेट की कैपिटल सिटी है उनको इंक्लूड किया गया है, इससे के साथ वो सिटी जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, मतलब वो सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है उस सिटी को भी इसमें काउंट है वो किया गया है। तो इस टाइप से 111 सिटी इंडिया में आइडेंटिफाई की गई थी
और डिफरेंट पैरामीटर थे, चार पैरामीटर थे बेसिकली मेन, और उनमें फिर सब पैरामीटर आप बोल सकते हो कि और भी धीरे धीरे अलग अलग कैटेगरी से वो डिवाइड थी। तो जो चार पैरामीटर कौन से थे वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि उन पर भी यूपीएससी क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। और एक ये ध्यान रखना कि सभी सिटी का इसमें नहीं किया गया है, केवल और केवल 111 जो टॉप सिटीज हैं उनके आधार पे। अब इसमें क्या होगा, काफी जो परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स वगैरह हैं उनको भी यूज किया जा रहा है, ताकि जो मापदंड वगैरह हैं उनको देखा जा सके कि भाई कैसे उन सिटियों को फुलफिल कर रही है, रहने लायक है या नहीं है, क्या क्या क्राइटेरिया। जैसे कि सबसे पहला जो चार पैरामीटर है उसमें आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस कैसी है वहाँ की, तो गवर्नेंस सिस्टम को लेकर पहला पैरामीटर है वो तैयार किया गया। अब बात करें हम सेकंड पैरामीटर की, तो वो क्या गया, सोशल लाइफ से रिलेटेड, कि भाई वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी कैसी है, हेल्थ के ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है, हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसके साथ ही सिक्योरिटी कैसी है, इन सारी चीज़ों को फोकस किया जा रहा है सोशल सेक्टर में। अब बात करें तीसरा इंडिकेटर आता है, वो आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से इकोनॉमी होती है, कि लोगों की इनकम वगैरह हो, इन सारे पैरामीटर्स को यूज है वहाँ पे किया जाता है। और फोर्थ आ जाता है आपका फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आप इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप ले सकते हो, कि वेस्ट वाटर है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, पॉपुलेशन कैसी है, ट्रांसपोर्ट है उसकी सर्विस कैसी है वहाँ पे, और जो लोगों को रहने के लिए स्पेस है वो किस तरीके से प्रोवाइड करा जा रहा है, इन डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं। तो बेसिकली चार तो आप बोल सकते हो कि मेन पिलर है इसमें, एक तो हो गया इंस्टीट्यूशनल या गवर्नेंस, दूसरा हो गया सोशल, तीसरा हो गया यहाँ पे इकोनॉमी, और चौथा हो गया यहाँ पे फिजिकल फैक्टर। इन चारों पैरामीटर के आधार पे सिटी की एक इंडेक्स है वो तैयार की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, और फिर ये मापदंड जारी किए गए। जैसे कि हम कुछ देख लें कि पुणे है उसको नंबर वन स्थान दिया गया है, सेकंड नंबर पे नेवी मुंबई है उसको रखा गया है, और थर्ड नंबर पे ग्रेटर मुंबई है उसको रखा गया है। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है, और कोलकाता को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कोलकाता ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शामिल है वो नहीं हुआ है, क्योंकि इसने डाटा को वहाँ से प्रोवाइड नहीं करवाया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब से यूपीएससी आपको ये पूछ ले कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहा और वहाँ पे कोलकाता का ऑप्शन दे दें, तो आप इजीली समझ सकते हो कि भाई कोलकाता तो इस लिस्ट में शामिल था ही नहीं, क्योंकि कोलकाता ने पार्टिसिपेटिंग नहीं किया, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो हम थोड़ा कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को ठीक है वो कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी को ले, APTEIL को लेके। तो देखो वैसे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फिर भी थोड़ा ये कह देता हूँ कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिकली एक स्टेचुरी बॉडी है। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, इसके चेयरपर्सन है उनको अपॉइंट किया गया, नए चेयरपर्सन को लेकर बात हो आई थी। तो इतना डीपली कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल है किस क्या काम है इसका काम। बेसिकली आपको पता है कि ट्रिब्यूनल है उसका काम भी ये होता है कि जो भी केस इश्यूज वगैरह होते हैं उस स्पेसिफिक ठीक रीजन से रिलेटेड उनको सोल्व करना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी कुछ इश्यूज वगैरह होते हैं उनके लिए बेसिकली ट्रिब्यूनल है वो बनाया गया है। तो एक तरीके से जो रेगुलेटरी कमीशन होता है इंडिया में, या फिर आप बोल सकते हो कि एडजुडिकेटिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो भी ऑर्डर वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट कोई भी आदमी काम कर रहा है तो उसका जो भी सारा केस है वो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के पास। तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और तीन मेंबर होते हैं, ये बेसिकली एक छोटी सी इसकी स्ट्रक्चर और हमने थोड़ा ये फॉर्मेट है वो देख लिया, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको रहने देना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर। तो देख लेते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। सबसे पहले तो हम स्कीम के बारे में ही जानते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट सॉरी टूरिज्म मिनिस्ट्री की है एक स्कीम है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। स्वदेश दर्शन स्कीम मेन मोटो ये है कि हमारे देश के जो डोमेस्टिक हेरिटेज साइट हैं, आप बोल दो कि आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं, इनमें एक्चुअली टूरिज्म सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए, मतलब टूरिज्म सेक्टर को गति देने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। ये ध्यान रखना कि 100% जो फंडेड है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली प्रोवाइड है वो किया जाएगा। इसी के साथ ही वॉलंटरी तौर पे भी इसमें फंड है वो आ सकता है, और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका फंड भी यहाँ पे यूज है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। अब देखो बात ऐसी है कि नेशनल जो स्टेयरिंग कमेटी होती है, इसमें एक कमेटी और होती है नेशनल स्टेयरिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन की हम बात करें वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मतलब मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के जो मिनिस्टर हो गए वो एक्चुअली नेशनल स्टेयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। और ये जो नेशनल स्टेयरिंग कमेटी है इसका काम बेसिकली है कि टूरिज्म सेक्टर के जो भी साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डेवलप करने का। तो अभी कुछ काम इस प्रकार होता है इसका कि इसमें क्या कि डिफरेंट डिफरेंट फेज है वो ले जाते हैं, कि पहला फेज ले लिया, एक एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया कि इस एरिया के अंदर हमें यहाँ पर जो साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको डेवलप करना है और टूरिज्म को बूस्टअप करना है। तो अभी इसका जो पहला फेज था, पहला प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का नाम है वो आपको ध्यान रखना है, वो है नॉर्थ ईस्ट सर्किस इम्फाल एंड कोंगजोम, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी एक्चुअली क्या स्टार्ट हो गया, इसको इनोग्रेट है वो किया गया, मतलब कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि स्वदेश दर्शन स्कीम का जो पहला प्रोजेक्ट था
वो नॉर्थ ईस्ट सर्किट से था बेसिकली, जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट सर्किट इम्फाल एंड कोंगजोंग। तो ये बेसिकली अभी स्टार्ट है, वो हो गया है, इसका इनॉग्रेट है, वो क्या गया है, तो इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे बेसिक फैक्टर वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। देखो अहम बात यह है कि जो इम्फाल है वो आपको पता है मणिपुर में आता है, मणिपुर की कैपिटल है, तो ये चीज़ थोड़ी हमें ध्यान रखनी है। और कोंगजोंग भी बेसिकली वहीं पर ही है। अब यहाँ पे इम्फाल में एक दो तीन साइट्स हैं, एक का नाम तो है कांगला फोर्ट और एक है कोंगजोंग, वहाँ पे जगह है, ये चीज़ हमें थोड़ी वहाँ पे ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही वहाँ पे ओल्ड गोविंद जी का टेम्पल भी है, तो दो तीन चीज़ों के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। जो ये कांगला फोर्ट है ये इम्फाल सिटी के बीचों बीच में बनाया गया है और इसकी हिस्टोरिकल जो साइट्स है, हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ ही आर्कोलॉजिकल साइट भी है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू है और टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर इसको ढंग से बिल्डअप वगैरह किया जा रहा है, इसके पास ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए तो इसीलिए स्वदेश दर्शन स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट है वो होने वाला है। इसी के साथ ही वहाँ पे ओल्ड गोविंद जी का टेम्पल है जो कि भी मणिपुर की एक हेरिटेज साइट के तौर पे जाना जाता है, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पहला जो इसका फेज था या पहला प्रोजेक्ट था वो नॉर्थ ईस्ट सर्किट से था, कहाँ से था, मणिपुर, और मणिपुर की जगह कहाँ पे, इम्फाल एंड कोंगजोंग, वहाँ से रिलेटेड है। तो इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। स्वदेश दर्शन स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, ऑब्वियसली टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्कीम है। कहा मैंने आपको बता दिया कि एक थीम बेस्ड किसी भी जगह को डेवलप करना है, सर्किट को डेवलप करना है ताकि इंडिया में टूरिज्म को बिल्डअप किया जा सके। तो ये बेसिकली स्कीम थी, इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट वो जाने। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल आया है वो आया सिक्किम असेंबली को लेकर, कि सिक्किम लोग जो असेंबली है उसके भी सीट है, स्टेट असेंबली की सीट है, वो इंक्रीज की गई है। देखो सिक्किम में पहले टोटल सीट थी 32, तो अभी 40 सीट करने की बात है वो की गई है। तो कंटेक्स्ट तो कुछ इस प्रकार है कि अभी होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक्चुअली कैबिनेट को अप्रूवल दिया कि हाँ भाई ठीक है आप सीटें वगैरह बढ़ाइए उसको लेके। देखो आपको एक चीज़ तो पहले बताया कि सिक्किम है उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, वो 1975 में सिक्किम है वो इंडिया के अंदर मर्ज है वो किया गया था पूरे तरीके से। तो ये कुछ तो बेसिक फैक्ट हम जानते हैं। अब हम थोड़ा पूरी प्रोसेस जानते हैं कि असेंबली की सीट कैसे बढ़ाई जाती है और क्या क्या इश्यूज आते हैं और जो सिक्किम है वो स्पेशल क्यों है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो गाइज आप प्लीज को दो तीन बार ढंग से रिवाइज कर लेना अगर आपको फिर भी कहीं कोई इश्यू वगैरह हो। तो देखो कंटेक्स्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब वहाँ पे कुछ ट्राइब है वो भी थोड़ी हमें देख लेनी है, जैसे कि सिक्किम के हम ट्राइब की बात करें, एक तो वहाँ पे लिम्फो एंड तमांग ट्राइब है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी लिम्फो और तमांग जो ट्राइब है इनको वहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रॉपर ढंग से इनका जो भी सीट है वो इनको नहीं मिल पा रही थी, इनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं थी, तो इसीलिए इनके लिए सीटें बढ़ा गई 8 सीट। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लिम्फो और तमांग जो कम्युनिटी है इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सीटों की संख्या 32 से 40 है वो की जा रही है। और भी अगर हम सिक्किम की ट्राइब की बात करें तो वहाँ पे भूटिया ट्राइब है, लेपचा ट्राइब है, इसके साथ ही वहाँ पे संघा ट्राइब है और SC ST की और भी है ट्राइब्स। तो बेसिकली जो मेन ट्राइब है वो मैंने आपको बता दी, लिम्फो, तमांग, भूटिया, लेपचा ट्राइब और संघला ट्राइब, ये बेसिकली सिक्किम की कुछ ट्राइब्स हैं। अब हम बात करें वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्फो और तमांग ट्राइब हैं इनको वहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, इसीलिए इन्होंने गुहार लगाई कि भाई हमें भी तरीके से आप है वो सीटों का बहुमत वगैरह मतलब सीटें प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमारी भी यहाँ पे वैल्यू है वो भी बनी रहे, तो इसको लेके। बट यहाँ पे एक अहम रोल आता है, वो आता है डीलिमिटेशन एक्ट 2002 का। देखो डीलिमिटेशन एक्ट 2002 क्या कहता है वो आप ध्यान से सुनना। डीलिमिटेशन एक्ट 2002 ये कहता है कि भाई 2026 के बाद जो पहला सेक्शन होगा, मतलब 2026 के बाद पहली जनगणना कब होगी, 2031 में, तो मतलब 2031 के बाद ही के एट एनी कॉस्ट जो भी सीटें वगैरह हैं किसी स्टेट वगैरह की आप बोल सकते हो या फिर लोकसभा की सीटें वो इंक्रीज की जा सकती हैं, इससे पहले आप सीट इंक्रीज नहीं कर सकते। ये डीलिमिटेशन एक्ट 2002 कहता है कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होने वाला है, जनगणना होगी, उसके बाद ही सीटों का एक तरीके से जो भी वितरण डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेटरी चेंज है उसमें, मतलब बोल सकते हो कि एक तरीके से वेरिएशन चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, उससे पहले एट एनी कॉस्ट चेंज नहीं हो सकते। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई फिर सिक्किम में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन एक्ट तो क्लियर ये कहता है कि 2026 के बाद जब जनगणना होगी 2031 में तभी कुछ हो सकता है। देखो बात ऐसी है कि जो सिक्किम है उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है और दूसरी बात से 1975 में मर्ज किया गया था, तो उस दौरान इस पर कोई ऐसी लिमिट वगैरह नहीं रखी गई है, तो इसलिए सिक्किम के अंदर ये चीज़ है वो अलाउ नहीं होती है, तो सिक्किम के अंदर सीटें हैं वो बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो लो कमीशन है उसके द्वारा रीजन है वो यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है उसको भी अमेंडमेंट करना होगा, और इसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इन दोनों को अमेंडमेंट है या उन दोनों में संशोधन है वो क्या जाना है। चलो आप कमेंट बॉक्स में आज ये बताइए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है, तो आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आंसर जरूर बताना है। अब थोड़ा हम डीलिमिटेशन कमीशन की तरफ और ज्यादा चीजें देख लेते हैं।
सबसे पहली बात तो यह कि है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ऑब्वियसली एक स्टेचुरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट वगैरह के तहत इसका काम है, वो किया है संविधान में, स्टार्टिंग में इसको इंक्लूड है, वो नहीं किया गया था। टाइम टू टाइम जब इसकी जरूरत होती है तब इसको बनाया जाता है, और जो लास्ट डिलिमिनेशन कमीशन था वो बनाया गया था 2002 से पहले, ताकि 2002 में एक्ट आया था डिलिमिटेशन एक्ट, और उसने फिक्स कर दिया था कि भाई 2026 से पहले आप सीट नहीं बढ़ाओगे, 2026 के बाद जब जनगणना होगी पहली, मतलब 2031 में, उसके बाद ही सीटें बढ़ने वाली है। ये बेसिकली इसमें बात हो की गई थी। ये भी ध्यान रखना है कि अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन है वो गठित किए जा चुके हैं। काम इनका क्या होता है कि जो भी मतलब एरिया होता है, जैसे मान लो कि किसी भी स्टेट को ले लो, यूपी को आप एग्जांपल ले सकते हो, चलो ये मान लो यूपी है, तो इसके अंदर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना हो, कहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, उन तरीके से काफी सारी चीजों को इंक्लूड करके और ये एक तरीके से तोड़ मरोड़ करके सीटों की संख्या को घटाना बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और अभी आपके दिमाग में ये होगा कि भाई 2026 तक सीटें फिक्स इसलिए रखी गई हैं कि देखो इसका अहम रीजन तो ये था कि कुछ स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के आधार पर सीटें बढ़ेंगी, तो मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा सीट मिलेंगी लोकसभा में, उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्टली आप ये तो प्रमोट कर रहे हो ना कि पॉपुलेशन बढ़ाओ तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज को काउंटर करने के लिए ही 2026 तक सीटों को फिक्स किया गया है कि भाई 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, इसके बाद ही जब जनगणना होगी तब देखा जाएगा कैसे क्या करना है। तो ये बेसिकली जो आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे देखे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।